नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 27 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की गई है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है। और यह दौलताबाद किला किसने बनवाया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं, ठीक। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। और अगर बात किया जाए कि भारत का पहला और दुनिया का तीसरा वन्य जीव विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये भी तमिलनाडु में ही खोला जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र भी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में ही स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु से ये तीन प्रश्न आपके बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है, ठीक है। और वही बात किया जाए तो मणिपुर में ही एक लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील है, जिसे तैरता हुआ झील भी कहा जाता है, ठीक। और यहाँ पे जो द्वीप है, यहाँ के जो इस तैरते हुए लोकटक झील में जो द्वीप बना है, वो बड़ा ही देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अस्ताना को किस देश की नई राजधानी घोषित किया गया है? तो यह कजाकिस्तान को घोषित किया गया है। यानी कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या हो गई है? तो कजाकिस्तान की नई राजधानी अब अस्ताना हो गया है, ठीक। वही अगर बात किया जाए कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ठीक। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद। और मंगोलिया का कहाँ है? तो उलन बटोर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है, यह किस भाषा की फिल्म है? तो यह गुजराती भाषा की फिल्म है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की है? तो यह न्यूयॉर्क में किया है। और यह न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो यह न्यूयॉर्क यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा सेटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर पे शुरू किया गया है, ठीक है। और इस सियाचिन ग्लेशियर पर आधिकारिक कब्जा किसके द्वारा किया गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा किया गया था 1984 में, ठीक है। और यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आपसे क्वेश्चन में कभी कभी ज्योग्राफी में पूछ लेता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो आप बताएंगे सियाचिन ग्लेशियर है। और हिस्पर ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर भी आपका भारत में ही अवस्थित है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध असम राज्य के गुवाहाटी से है, ठीक है। दोस्तों, ये था हमारा कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है कि शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार क्या शुरू करेगी? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी, ठीक है। यानी कि शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी। इसका उद्देश्य 2025-2026 तक वायु प्रदूषण को 40% तक, कितने प्रतिशत? तो 40% तक कम करना है। और यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 यानी कि NCAP के हिस्से के रूप में तैयार की गई सिटी एक्शन योजनाओं को लागू करने के लिए 131 शहरों को रैंक प्रदान करेगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में किस
किस हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है? तो यह चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं चल रहा इस समय, इसी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसको थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। चलिए, तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा, और यह चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर क्यों किया गया है? क्योंकि पिछली बार ही मतलब अगस्त महीने में ही पंजाब और हरियाणा सरकार ने मिलकर यह फैसला लिया है, यानी कि 25 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने घोषणा की कि महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने पिछले महीने अगस्त 2022 में हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने की सहमति जताई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो सुएला ब्रेवरमैन इनका नाम है। ठीक है, यानी कि भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 के समारोह में प्रदान किया गया है। इन पुरस्कारों की स्थापना 2000 में दक्षिणी एशियाई लोगों को ब्रिटेन में उनकी महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई थी। ठीक है, और आपको पता है कि जो भारत है वह कहाँ पे है? तो दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है, लेकिन दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। आपसे बहुत सारे नियुक्तियों से प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है, आप पूछ लेगा कि सीबीआई के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप बताएंगे निधि छिब्बर को चुना गया है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन, सीईओ कौन बने हैं? तो आप बताएंगे कि परमेश्वरन अय्यर बने हैं। ठीक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। उसी तरीके से निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो राजेश कुमार है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे नियुक्तियों से पूछा सकता है, तो नियुक्तियों को आप लोग तैयार करते रहिएगा। ठीक है, यानी कि संजय कुमार को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सिग्नल इंजीनियर्स की भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी हैं, और रेलटेल एक मिनी रत्न श्रेणी वन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रदाता है, और इसका गठन 2000 में एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड और नेटवर्क दूर संचार नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि पेन इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर का हरमन केस्टेन पुरस्कार किसने जीता है? तो मीना कंडा सामी ने जीता है। इनका नाम क्या है? तो मीना कंडा सामी है, यानी भारतीय लेखिका और कवित्री मीना कंडा सामी ने पेन इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर का हरमन केस्टेन पुरस्कार जीता है। उन्हें जाति और जातीय उत्पीड़न के विषयों पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सताए गए लेखकों के समर्थन में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी राज्य या कौन सा राज्य मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश लॉन्च करेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक के एमडी एंड सीईओ ने हैदराबाद में हाल ही में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सप्तकोसी उच्च बांध एक बहुदेशीय परियोजना है जिसका निर्माण किस देश में किया जाना प्रस्तावित है? तो नेपाल में किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि भारत और नेपाल आगे के अध्ययन के माध्यम से सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
जल संसाधन पर संयुक्त समिति की 9वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। सप्तकोसी बांध नेपाल की सप्तकोसी नदी पर बनने वाली एक बहुदेशीय योजना है। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के कारण पहले बिहार में बड़ा बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, इसीलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अब तो डैम बन गया है, जिसके कारण से अब ये ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश एशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है और वैश्विक आयात का 15% हिस्सा है, तो वह है भारत। यानी भारत जो है एशिया का सबसे बड़ा पाम तेल आयातक है और यह पूरे विश्व का 15% हिस्सा आयात करता है। यानी एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयात करने वाले देशों में के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना के लिए एक साथ आए हैं। और 5 प्रमुख देश में कौन कौन है, तो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेपाल है। और भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो वैश्विक आयात का 15%, इसके बाद चीन 9%, फिर पाकिस्तान 4% और बांग्लादेश 2% हिस्सा आयात करता है। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान की घोषणा की है। और इस अभियान के तहत लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार गुड टच, गुड बैड टच और यौन अपराधों सहित विभिन्न आवश्यक विषयों के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। हमारा आज के करंट अफेयर में इतना ही था। अब हम लोग चलेंगे अपने आगे जनवरी से लेकर सितंबर तक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि किसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सुरंजन दास को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आर दिनेश को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो यह तमिलनाडु ने शुरू किया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है, तो यह छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत की है, तो कर्नाटक ने किया है। वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो यह एमी हंटर बनी है। और ये किस देश की हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है, तो यह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उद्घाटन किया है, तो यह चंडीगढ़ में किया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला का प्रचार किया जा रहा है, तो यह अनुराग ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है। अभी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि मुझे डेंगू भी थोड़ी शिकायत है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर भी क्लास आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि क्लासेस छूटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी, जैसे ही सब कुछ मिल जाए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हम सही हो जाएंगे, थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है अभी, तो मैं आपको क्लासेस कंटिन्यू कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। वायरल फीवर चल रहा है इस समय और डेंगू की शिकायतें चल रही हैं आजकल बहुत तेज़ी से, पूरा BHU इस समय डेंगू से भरा पड़ा है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।